हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ हरीश चौधरी और आप देख रहे हैं हरीश प्रोजेक्ट्स यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको टॉप 5 साइंस प्रोजेक्ट्स के बारे में दिखाऊंगा जिनको अगर आप साइंस एग्जीबिशन में लेकर जाते हैं तो ये शायद विनर हो सकता है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके और मैं सेलेक्ट कर ले ऐसी वीडियोस देखने के लिए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर में बात कर सकते हैं, मैं अपना एड्रेस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हमारा पहला प्रोजेक्ट है ये एक वेस्ट मटेरियल से एनर्जी जनरेट करने वाला साइंस प्रोजेक्ट। सो इस प्रोजेक्ट में अगर हम कोई सा भी वेस्ट मटेरियल डालते हैं जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया, सो इनको डालने से यहाँ पर एनर्जी जनरेट होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम इसको कुछ इस तरह से बना सकते हैं और इसका ये डायग्राम है एक, इसमें बैटरी वगैरह लगा हुआ है, डायोड, और इसका आप यहाँ पर वर्किंग देख सकते हैं। हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से इस बकेट में प्लास्टिक के फिर वेस्ट मटेरियल को डालना है और हमें यहाँ से दूसरी ओर एनर्जी जो है वो जनरेट होकर मिलेगा। उसके बाद हमें यहाँ पर वेस्ट मटेरियल डालने के बाद इसको आग, मतलब जो आग है उसको जलाना है, और जलने के बाद जो है वो जो वेस्ट मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। आप इसका वर्किंग देख सकते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर का LED लाइट जो है वो ग्लो हो रहा है, इसका मतलब ये जो है 100% एनर्जी जनरेट कर रहा है। और हाँ गाइस, आप इन प्रोजेक्ट्स को Amazon से बाय कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका डिटेल्स। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रोजेक्ट है ये एक हेल्पिंग रोबोट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको इसको बनाने के लिए चाहिए एक PVC पाइप, मतलब कि कुछ PVC पाइप, सर्वो मोटर्स, वायर्स और कुछ पुश बटन और कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। सो इसका यूज आप किसी भी चीज़ का हेल्प लेने के लिए कर सकते हैं। ये रोबोट है, इसको आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको फ़ोन से भी कंट्रोल होने वाला बना सकते हैं Arduino कनेक्ट करके। इसका यूज़ अभी तो होटलों में हो रहा है इस टाइप के रोबोट्स। आप चाहें तो अपने साइंस एग्जीबिशन में लेकर जा सकते हैं और आप चाहें तो इसका बहुत सारे यूसेज कर सकते हैं अगर आपके पास आइडिया है तो। और हाँ गाइस, इस रोबोट में एक स्पीकर भी लगा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बीच में जो है एक गोल सा वो एक स्पीकर है। इस स्पीकर में जो रोबोट है आपको कुछ भी बोल कर बता सकता है और आप चाहे तो कुछ भी इससे बुलवा सकते हैं। और ये जो रोबोट है ये एक फैटिंग रोबोट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो हाथ है वहाँ से कुछ फायर निकल रहा है, मतलब कि इस प्रोजेक्ट को आप आर्मियों के लिए भी यूज कर सकते हैं आप चाहे तो। अगले प्रोजेक्ट में जाने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए। सो हमारा यहाँ पर अगला प्रोजेक्ट है ये एक ऑब्जेक्ट डिटेक्टर। सो इस साइंस प्रोजेक्ट का काम यह है कि अगर आपके घर के आसपास कोई भी जानवर वगैरह आता है तो ये अलार्म बजेगा और यहाँ पर लाइट भी जलेगा कि कौन से साइड से आ रहा है, ये आपको पूरा बताएगा। सो इसका यूज आप चाहें तो खेतों में कर सकते हैं, खेतों के लिए, या फिर किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी करने के लिए कर सकते हैं। आप इसका वर्किंग देख सकते हैं। आप यहां पर इसका डायग्राम देख सकते हैं, इन्होंने यहां पर फोटोडायोड, फायर सेंसर और बैटरी, रेजिस्टेंस, IC, कंट्रोलर और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज़ किया है जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर। और आप इस प्रोजेक्ट को भी Amazon से इजीली बाय कर सकते हैं, आप यहां पर इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख सकते हैं और इनका जो प्रोडक्ट है इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पर अगला प्रोजेक्ट है ये एक ऑटोमेटिक चेस बोर्ड। सो इसमें जो दूसरा साइड है जो ब्लैक वाला जो है उस सेट का जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर चलेगा और जो वाइट वाला है उसको हमें मैनुअल चलाना पड़ेगा, मतलब अपने हाथों से उसको चलाना पड़ेगा। सो आप यहाँ पर इसका वर्किंग देख सकते हैं। जैसे ही हम अपने वाइट वाले जो गोटी है, मतलब कि प्यादा वगैरह, हाथी वगैरह जो भी है उसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक जो दूसरे सेट का ब्लैक वाला है वो ऑटोमेटिक अपना चाल चलने लग जाएगा। सो इसका यूज़ आप चाहें तो अगर आप अपने घर में अकेले हैं तो इसका यूज़ अपने टाइम पास के लिए कर सकते हैं और इसका आप बहुत सारे कामों में कर सकते हैं, साइंस प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं अपने बनाने के लिए। और आप इसको भी साइंस एग्जीबिशन में लेकर जा सकते हैं, आप इसका यूज़ बहुत सारे कामों में कर सकते हैं। सो इसको बनाने के लिए यहाँ पर इन्होंने स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर और वायर्स, Arduino और कुछ सेंसर का यूज़ किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और बैटरीज का यूज किया गया है। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रोजेक्ट है ये एक रेलवे एक्सीडेंट प्रिवेंशन साइंस प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट को रेलवे में एक्सीडेंट को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है और उसका जो समस्या है ये बहुत ही ज़्यादा है आजकल, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो जो ट्रेन है वो पटरियों से भी बहुत ज़्यादा उतर जाती है जिससे कि बड़ा दुर्घटना हो जाता है और इसमें बहुत सारे जो लोग होते हैं उनका जान भी चला जाता है।
सो इसलिए इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। तो आप इस प्रोजेक्ट को अगर साइंस एग्जीबिशन में लेकर जाते हैं तो ये शायद विनर भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप इसका वर्किंग देख सकते हैं, जैसे ही यहाँ पर जो पटरी है वो अगर मतलब कि निकलती है तो जो ट्रेन है ऑटोमेटिक वो रुक जाएगी। आप यहाँ पर इसका वर्किंग देख सकते हैं। सो आप इस प्रोजेक्ट को बनाकर रेडी कर सकते हैं। ऐसे तो आप यहाँ पर इसका वर्किंग देख सकते हैं, जैसे ही बीच से कहीं पर भी जो पटरी है वो निकलती है तो ये जो ट्रेन है ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाती है, जिससे कि दुर्घटना होने से ये बच जाएगी और जो जान हानि है वो भी नहीं होगा। सो ये जो प्रोजेक्ट है ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है, और ये जो प्रोजेक्ट है आपको ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा। ये है इसका डायग्राम, आप यहाँ पर इनका डायग्राम देख सकते हैं। आप इन नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इन प्रोजेक्ट्स को बाय कर सकते हैं ईजिली। सो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ देखना पसंद है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपके पास कोई साइंस प्रोजेक्ट बनाने के लिए आइडिया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर में बात कर सकते हैं, मैं अपना आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय।